अच्छा भैया लोग, हम भोजपुरी लोकगीत विरह गायक देवालाल यादव एंड पूरी पार्टी की ओर से तमाम भोजपुरिया श्रोता भाई लोग सबके कही स्वर में नमस्कार बा, प्रणाम बा। और भोजपुरी माटी में पैदाइश होखला के नाते भोजपुरी में पांव छुके गोड़ लागत बानी। धमाकेदार प्रस्तुति पीएल म्यूजिक प्यारे लाल यादव म्यूजिक की ओर से हमारे आदरणीय बड़े भैया उदल भैया का देखरेख में और साथ में सहयोगी के रूप में रिकॉर्डिस्ट के रूप में हमारे बड़े भैया धनंजय भैया कुर्सी पे विराजमान और बगल में हमारे जीजा श्री राजू यादव छोटू यादव आदरणीय रामा कवि जी बड़े भैया आनंद प्रधान जी रामेश्वर यादव और राजेश भैया चकिया राजेश यादव हरपुर और अहिरौरा मदापुर से हमारे गार्जियन हमारे मार्गदर्शक आदरणीय श्री राम सूरत यादव अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार साहब इंजीनियर साहब वकील साहब सबके कही स्वर में नमस्कार बा, प्रणाम बा। सब भोजपुरिया भैया लोग के प्रणाम बा, आशीर्वाद देव सबे। एक कारुणिक कांड आप लोगों के बीच में प्रस्तुत बा, हमके आशा ना पूरा विश्वास बा कि जैसे हर एल्बम के रउआ सब सुन के और अपन छोट भाई छोट बेटा के प्यार दुलार आशीर्वाद देला, एहू एल्बम के सुन के रउआ लोगन का प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर मिली। आओ भैया इस जमाने को देखते हुए कवि जी की लेखनी चार लाइन भूमिका के भाव में संकेत करती है। कैसे भैया? अय खुदा क्या करिश्मा दिखाया जहां में शाम ढलती कहीं कहीं होता सवेरा कोई हंसता यहाँ कोई रोता यहाँ गम के तूफान में उजड़ा किसी का बसेरा आज हैवानियत की हवा चल रही अश्क आंखों में लेकर के रोती मनोता अब तो विश्वास का हो रहा है गनन वह असुर बन गया जिसको समझा था देवता भैया ए जमाने में केकरा पर विश्वास कइल जाए कबो कबो आपन भी बेगाना हो जाला और कबो कबो बेगाना भी आपन से बढ़ के हो जाला। यहाँ एक लाइन विरहा में कौनो भोजपुरी कबड़ी मिठास गीत लगल कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका के चाहे कौनो हीरो हीरोइन से कहता कि देख है जौन सजावट बा कुल बेकार हो जाई हीरोइन कलस का है हीरो बतावत बा का कहे
ऐसन रूपवा सजावल का हो ऐसन रूपवा सजावल का होई जब देखी ना केहू गौर से ऐसन रूप जब देखल चाही तो करेलू नाही। क्या बात है, बहुत अच्छे। जब देखल चाही तो करेलू नाही मन गुजरे लाज दे दौर से तोहर कजरा लगावल का होई तोहर कजरा लगावल का होई जब देखी ना केहू गौर से तोहर कजरा लगावल लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत खूबसूरत भाव देहलन का कबो पूरा सपनवा ना होई कबो पूरा सपनवा ना होई जब धोखा मिलत रही प्यार में संसार में मन मीत मिलनवा का होई मन मीत मिलनवा का होई जब धोखा मिलत रही प्यार में चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्यार होखे चाहे बाप बेटा का प्यार होखे चाहे बेटी मतारी का प्यार होखे चाहे भाई भाई का प्यार होखे अगर प्यार दागीदार हो गई तो प्यार का कौनो मतलब ना। कहानी का शुरुआत भइल नजम के भाव में बताओ गेल कैसे भैया स्वार्थ दौलत बदे अपनों से अपना दूर हुआ स्वार्थ दौलत बदे अपनों से अपना दूर हुआ सजाया सपना दिल में लगते चोट चूर हुआ आज मतलब के चलते टूट जाता नाता है आज मतलब के चलते टूट जाता नाता है गरूर रहने पर कुछ भी समझ ना पाता है hey!
कहानी के करबा। प्रांत एमपी में दया शंकर जी किसान रहे, प्रांत एमपी में दया शंकर जी किसान रहे, मदद औरों की करने वाले वो इंसान रहे। बेटी रिंकी इंटर गोपाल बीए पास हुआ, बेटी रिंकी इंटर गोपाल बीए पास हुआ, दिन अच्छा आएगा सबके दिल विश्वास हुआ। ए भैया, इस संसार पूरा स्वार्थ में जकड़ गलबा, बिना स्वार्थ का कोई प्राणी इस धरती पे नहीं है। और मतलब सबको अपने मतलब अपने फायदे से मतलब है, किसी का नुकसान हो रहा है इसकी कोई परवाह नहीं करता। एक बड़ा नेक दिल इंसान प्रांत एमपी के रहने वाले दया शंकर जी, जिनकी पत्नी का नाम परमिला और एक बेटवा जेकर नाम गोपाल और एक बिटिया बा जेकर नाम रिंकी बतावल गई, बड़ा बढ़िया आदमी होन बेचारू। दूसरा कभी काम काज में हाथ बटा दे, लेकिन गरीबी चरम सीमा पे बा। बेटवा बिटिया दोनों पढ़त हुवन, रिंकी धीरे धीरे इंटर पास कैलस, गोपाल बीए पास कर गई। अब माई बाबू का दिल में विश्वास होत बा कि अब हमार बेटवा बीए पास कर गई, अब बीए पास कर गई तो नौकरी एक जरूर मिल जाए, दिल में विश्वास है। सब विचार करत बा, लेकिन जौन बेटवा बा गोपाल बीए पास कैले के बाद सोचत बा कि हमार बाबूजी अकेले ए परिवार में काम काज का के मजदूरी कई के और हमनी का पेट भरत हुवन, पढ़ाई का खर्चा चलत बा, काहे ना हम पढ़ाई का साथे साथे कुछ कमाई का स्रोत भी बना ली। ओकरे दिल में सपना है, अपने दिल में सपना सजावत बा। कौन सपना सजावत बा? यहाँ एक लाइन बड़ी रंगीन गीत लगल भैया। कौनो लड़की के पीछे पड़ल बा कि खेतनों बचबू लेकिन तोहके हम पटाई के मानब, भगला से जान ना बची, ओकरा खाती चाहे कुछो करवा दो। कहे का कहे, चाहे मराई चाहे कटाई चाहे कसाई बोरा में, जहिया भेटै बू सकेत गलिया में हसके दबाइब कोरा में। लेकिन गोपाल अपना मन में सपना सजौले है का पढ़ाई साथे कमाई जाई कलकत्ता सहरिया में, कर पढ़ाई साथे कमाई जा कलकत्ता सहरिया में, आंसू कबो ना आवे देबे हम बाबू माई की नजरिया में, मेहनत करने लगा पढ़ाई के साथे साथे, मेहनत भी करत बा, मन में सपना है कि पढ़ाई और कमाई ऐसा काम करी कि दोनों होके।
मन में सपना सजौलस कि हम डॉक्टर बनब, अंजाम निकलल का मेहनत लगना से डॉक्टर बनी गई ले। सहारा हो चमकल सितारा आइले बसंत फुलवरिया में। घर का सहारा हो चमकल सितारा आइले बसंत फुलवरिया में। आंसू कबो ना आवे देबे हम माई बाबू की नजरिया में। आंसू कबो ना आज मेहनत किया, धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ डॉक्टरी का भी कोर्स कर रहा है। अंजाम निकलल कि मेहनत कैलस सफल हो गल, माने डॉक्टर बन गई। आज घरे माई बाबू बहिन सब खुश बा, माई बाबू खुश हों कि हमार बेटवा डॉक्टर बन गई, बहनियों खुश बा कि हमार भैया डॉक्टर बन गईलन। अब दुखियन का दुख दूर हो जाए, हमनियों का गरीबी दूर हो जाए। आज अपार खुशी बा, लेकिन कहल जला ये बाबू अगर भगवान खुशी देला तो खुशी के बगलिए में गम भी होला। एक दिन का बात बा, माई प्रमीला देवी का बहुत बेजोड़ तबीयत खराब हो गई। अपने बिटिया के बलौली रिंकी के रिंकी से आंख में आंसू लेके कहती कि बेटी बेटी हमार बहुत तेज तबीयत खराब है बेटी, लागत बाकी अब संग छूट जाइ रे बिटिया, एक बेर हमरे बेटवा गोपाल के बला दे तू तो भर नजर देख लेती तो हमार आत्मा के संतुष्टि मिल जाई। बिटिया रिंकी कहत बा कि ना रे माई तो के कुछ हो ना होई, ऐसन कहे उल्टा सीधा बोलत हूँ माई ऐसन मत कहा। आज रिंकी माई के बात सुन के और अपने भैया गोपाल भैया के फोन लगा ले बा। अब फोन लगा के कहत बा यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया। कौनो सुहागन देवी मैया के दरबार में जाके कहत बा कि ए माई हमके धन दौलत तो बहुत रुआ दे ले बानी, हमके धन दौलत ना चाही, चाही का मांगत बिया। अरे बनल रहो नहीं हरा माई माई, अरे बनल रहो सुरावा बनल रहो नहीं हरा माई माई, बनल रहो सुरावा बहुत अच्छे। लेकिन हे बाबू आज रिंकी अपने भैया गोपाल के पास फोन लगौले बा, आप फोन पे भैया से रो रो के कहत बा का कहे
अरे रोई रोई फोनवा पे भैया से बैलियो, अरे देवेली हो खबरिया, रोई रोई फोनवा पे भैया से बैलिया, देवेली हो खबरिया। रोई रोई फोनवा पे भैया से बहिलिया, देवेली हो खबरिया। हरे दुइये दिन से बोला तो न बारी भैया घरवा मा तरिया, लगौले बाकी है भैया जल्दी से घरे आ जा भैया, माई का तबीयत ठीक नहीं है, आज माई दो दिन से न कुछ बोलत है न कुछ खाते पियत है। जब उन्हीं बात के सुनो गोपाले बाबू बिठवा के बर्दाश्त ना भई, तत्काल अपन कुल डॉक्टरी के काम काज छोड़ के और घरे अला। जब घरे अला तो भइल का, अरे अइले भवनवा पता अरे भैली कवन बेमरिया, अइले भवनवा पता लगा भैली कवन बेमरिया। अरे पहले सब ही लाखों पहिया टूटली सातर सरिया, आज अपने माही का हालत का बारे में सुन के गोपाल जितना जल्दी भइल घरे अइलन और घरे आके एक डॉक्टर हो करके भी बड़ी से बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके दिखाता है वो गोपाल, लेकिन ये बाबू कौनो सुनवाई ना भई। आखिर में अंजाम निकलल, माई आज दुनिया के छोड़ के चल भई। आज दया शंकर के ऊपर विपत का पहाड़ टूट गल बा भैया, लेकिन अपने माही कलसिया पगीर के दोनों भाई बहन गोपाल और रिंकी रोवत हों आ रो रो के कहत हों का, अरे टूटी गई तोहरा बिना सपना सारा, अममता के आंचल ना मिली दोबारा, छोड़ी कहाँ चली गई लू तो एक बेरी कुछ बोला न माई, हमली से काहे कोई लू हो एक बेरी कुछ बोला न माई। भाई बहन रोत वे माई उठत माई, आखिर हमनी के छोड़ के तू कहाँ चल गेलू हे माई तोहरा बिना, ए दुनिया में हमनी का के बा। दोनों भाई बहन कहत हों का, अब के माई कहल जाई माई कोई न आवे न जार हो, I'm not afraid of the dark.
आईले बेघरावा दिलवा में उठे लवारो हो। अब ता अनार हो गई दुनिया हमनी के टुरा बनैलू हो। एको बेरी कुछ बोला न माई, अरे एको बेरी कुछ बोला न माई हमनी से काहे कोइलू हो। आज दोनों भाई बहन लाश पे गिर के रोत हुआ कि है माई, यहाँ बहुत लोग भरल भाई माई सब लोग लौकत बा, लेकिन बिना तोहरा जौन ममता दुल्हार तोहरे आंचल से मिल गए माई, बाबू का गोद में ना मिली खेकरा के माई कहल जी है माई। आज दोनों भाई बहन रोत हुआ, दया शंकर जी अलगे रोत हुआ, लेकिन ए बाबू गांव घर के लोग समझा बुझा के दया शंकर के पत्नी के अंतिम दाह संस्कार कैलन। धीरे धीरे दो चार महीना गुजर गई, बाबू दया शंकर जी एक दिन अपने बेटवा गोपाल से कहत हूँ कि ये बेटा आखिर जे गईल उत गईल, अब सोचले से और आंसू बहैले से जे गईल वो वापस ना आई। हे बेटा अपन पढ़ाई और अपन धंधा चौपट मत करा, जा जवन दुख सुखाई हम यहाँ हई झेलब, तू जा अपन काम देख बेटा। आज बेटवा गईल दोबारा वही कलकत्ता शहर में जहाँ अपन डॉक्टरी खोलने बा और साथे साथे पढ़ाई भी होत बा। लेकिन धीरे धीरे आठ नौ महीना गुजर गए बाबू, अंजाम निकलल का धीरे धीरे दिनवा महीनावा माही को भुलाई गईल प्यार। रही डॉक्टर लेडीज सयान राधा सुंदरी अखिया भइल तब चा, आज धीरे धीरे आठ नौ महीना गुजरला के बाद ए बाबू आज अपने उमरल मतारी का याद दिल से मिट चुकल बा। धीरे धीरे अपन परिवार में जे पिता और एक बहिन बा ओ दोनों लोग के भी धीरे धीरे भुला चलल बा। बगले में एक ठे राधा नाम का लड़की भी वो भी डॉक्टर रहल, दोनों में नयनचार हुआ, लेकिन न राधा गोपाल से कुछ कह पावत बा और न गोपाल राधा से कि हम तोर से प्यार करीला। लेकिन एक दिन का बात बा गोपाल बड़ा हिम्मत जुटा के कहलस कि आज तो अपना दिल का बात हम कहिए के रहब, चाहे एक खातिर कुछ हो जाए। गईल और राधा के सामने और जाके राधा से कहत बा, यहाँ एक लाइन गीत लगल भैया प्रेमी प्रेमिका से कहे का कहे ए हो जाना ना ए दीवाना से फंस गईलू,
तू ऐसन तू हाथ गईलू दिलावे में हाथ गईलू लेकिन हिम्मत जुटा के गोपाल राधा के पास जाके और राधा से कहत बकिए हो तो उसे एक ठे बात कहे के बा का कहे ये कहलस सांवरी सूरतिया निदिया नैना से उड़ाई कोई कि हम तो उसे प्यार करीला आज बड़ा हिम्मत जुटा के तो उसे कहत बानी राधा कलश अच्छा तब आगे का विचार बा कहता जहिया से देखले बानी छ छ नता मन हो तोहरी जवानी हमर चैना चोराई गई तोहरी जवानी हमर चैना चोराई गई ए राधा प्यारी दिलवा तोहरे पे आई गई कॉलस की जहिया से तोहके देखले बानी उल्लू मती रात भर जागीला आ कुकुर मती दिन भर भोंकीला अब देखो अब मत तरसाव तो भाई जौने गोपाल का दिल में चल रहल बा उहे रधो का दिल में चलत बा कहले का मतलब कि गोपाल का प्यार के राधा एक्सेप्ट कैलस माने मंजूर कैलस दोनों अपन विचार बना के जाके कोर्ट मैरिज में शादी कह के अपन को लुहाग सुहाग रात मनाएले हम बारे बेटा वो लव मैरिज वाली दुल्हन के चक्कर में आज गोपाल अपना परिवार के भुला गई न घरे कोनो फोने फान पर बातें करत बा न अबौते जात बा बाबू यहर दया शंकर जी फोनो करो तो फोन भी रिसीव ना होत बा बाबू दया शंकर समझ गए कि मेरा बेटा हमें भूल गया हमें धोखा दे दिया कपार पर बिटिया का बोझ बा हर घर का कहानी बा ए भैया कि अगर केहू का बेटी बहिन अगर सयानी हो जाली तो बाप का चाहे अगर गार्जियन के रूप में अगर भाई है तो अगर कंधा का बोझ बन के रहेली आज बेटी का चिंता लगल है घरे कोनो कमाई नहीं खे कोनो आधार नहीं खे दया शंकर जी परेशान हुअन यहाँ भाव में देवल गई कैसे बेटी की शादी की चिंता से हुए पिता परेशान बिटिया खोले साथ चले तब कलकत्ता दरम्यान अब
अपन बेटी रिंकी के लेके दया शंकर जी वही कलकत्ता शहर में पहुँचल हुन जहाँ गोपाल डॉक्टर बा और पढ़ाई लिखाई भी करत बा। जा करके दया शंकर जी एक क्वार्टर लिए और एक होटल पे काम पकड़ लिए, खाना वाला होटल पे, लाइन होटल पे अपन नौकर का काम करत हुन। एक रोज का बात बा, उहे गोपाल अपने लव मैरिज वाली दुल्हन राधा के साथ सवेरे सवेरे का टाइम बा, माने भोजन करे का वक्त था, कहीं से आवत रहल वही होटल पे रुक गई। और होटल पे रुकल, मालिक आदेश दिया, दया शंकर सांप को जरा पानी दो, खाना लगाओ। दया शंकर पानी लगा के खाना लेके पहुँचलन, देखलन अपने बेटवा गोपाल के, कहना रे बेटा गोपाल ई ना कथुन कि बेटा गोपाल हमके काहे भुला गई, इतना खुशी है जब सामने औलाद पड़ल है। कहला बेटा गोपाल तू यहाँ? और राधा कहती है, गोपाल ये तुम्हें जानते हैं क्या, कौन है ये? तब गोपाल कलश किए, यहाँ का नौकर है, होटल पे काम करता है, हमेशा आता जाता हूँ ना, थोड़ी जान पहचान है। जब इतनी बात सुन रहे बाबू दया शंकर, तकवन ऐसा बाप हो ये बाबू कि अगर बेटा अपने बाप के पहचाने से इनकार कर दे तो उकर कलेजा छलनी ना हो जाए। यहाँ गीत बदल के भैया, कि तूने अजब रचा भगवान, तूने अजब रचा भगवान, खिलौना माटी का, लेकिन भाव देवल गई आज दया शंकर जी कलेजा में दुख बा, आँख में आंसू भर गई, भोजन ले ले हुवन हाथे का सोचत हुवन, का सोचत हुवन कि का चूक भइल भगवान, का चूक भइल भगवान, सजाई सन दिहला, शंकर सोचत हुआ कि हे भगवान आखिर हमसे कौन ऐसा इतना भारी चूक हो गई ले भगवान कि इतना बोर सजा देते हुआ ये बूढ़ बाप के। सोचत हूँ उनका बेटा बाप के ना पहचाने, अब जान भइल बेजान, अब जान भइल बेजान, सजा कई सन दिहला, हे बाबू दया शंकर जी मने मने अफसोस करत बरन कि हे भगवान आखिर हमसे कौन ऐसा कमी भइल हे भगवान कि आज अपन खुद का बेटा भी अपने बाप के पहचाने से इनकार करत बा। आज दया शंकर के ऊपर ये बाबू विपत का पहाड़ टूटल बा। यहाँ टेरी के भाव में बताओल गई, कि नजरिया पर चढ़ल बा चरबी हो, नजरिया पर चढ़ल बा चरबी, अपन भयल बेगाना जब भैली दीदरिया,
बाप को बेटा ना पहचाना, बाप को बेटा ना पहचाना, सदमा दिल में हुई जबर, धड़ाम से गिर गया जमी पर, गश्ती में भई बंद नजर। एवना दुख के अपने खून के बदलाव के बर्ताव देख के बाबू दया शंकर जी बर्दाश्त ना कर पौलन, सोचते सोचते वहीं पे धरती पे गिर जाते हैं। गिरा भोजन डॉक्टर के बदन पे, गिरा भोजन डॉक्टर के बदन पे, मालिक नौकर को फटकारा, गिरे हुए दया शंकर को बेरहमी से वह मारा। आज जवन हाथ के थाली बा, आज दया शंकर के हाथे का थाली वो डॉक्टर गोपाल के बदन पे गिर गई। सारा कपड़ा खराब हो गया, मालिक देखा क्रोध में लाल हो गया और उठाता है डंडा और डंडे से लगा पीटने। दया शंकर दुहाई देतवन की, मालिक हम जानबूझ के ना गिरौली है, मालिक हाथे से छूट गई, मालिक हमके माफ कर दे मालिक। लेकिन ओ मालिक के दिल में जरा भी दया नाम की चीज नहीं आई। बाहर बेटा बेटवा गोपाल सामने देखत बा कि हमार बाप मार खात बा, होटल वाला मार रहा है, बगल में बेटा है, लेकिन अपने पोजीशन को बरकरार रखने के लिए कि मैं अगर कह दूंगा कि ये मेरा बाप है तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी होगी, चुपचाप देख रहा है। लेकिन जौन गोपाल का पत्नी राधा बा बर्दाश्त ना भई, देख हाल गोपाल न बोला, देख हाल गोपाल न बोला, राधा दौर छोड़ाई है, अरे पिता तुल्य नौकर को मारता वह धिक्कार सुनाई है, शर्म नहीं आती तुझे, बुढ़ा है गिर गया, जानबूझ करके गिराया तो नहीं, तुम्हारे बाप का उम्र का है, मार रहे हो, हटो। उस मालिक को हटा करके और उस बुढ़े दया शंकर को हाथ पकड़ करके और खड़ा कराती है, और खड़ा करके वो दया शंकर से वो राधा जौन गोपाल का दुल्हन बा सवाल करत भैया। यहाँ गीत बदल गई भैया, यह तर्जबा कोनो गौनहरी कन्या अपने सैया जी से कहत बा, का कहे, अरे छोड़ी गवन हारी में हारिया, छोड़ी गवन हारी में हारिया, जनी जानो कहरिया करे जान, जनी जानो कहरिया लेकिन हे बाबू आज राधा ओ दया शंकर जी के सहारा दे करके और उठाती है, ले जा करके एक कुर्सी पर बैठाती है और उस दया शंकर से सवाल करती है, क्या अरे राधा बोली भरी के नजरिया, राधा बोली भारी के नजरिया, भारी फिकरिया भैलिए राम, काहे कैला ऐसन भारी फिकरिया भैलिए राम,
बाबा इस उम्र में आप नौकरी करने चले आए, क्या आपका कोई औलाद नहीं है बाबा? सवाल कर थी कहा थी का तो हर बेटा नहीं ए बाबा ए बाबा का तो हर बेटा नहीं कवनो जहनवा रोई रोई दाया शंकर करे ना बयानवा अरे बैरी भैल गरीबी फसरिया बैरी भैल गरीबी फसरिया बाबा क्या आपका कोई औलाद नहीं है बाबा कि इस उम्र में आप नौकरी करने चले आए? जब इतनी बात सुना है बाबू दया शंकर कलेजा पट गई, कहा कि ना बेटी भगवान खातिर ऐसा मत कहा हमार बेटा बा। लेकिन आज का जमाना में जब बेटा अपने बाप के पहचाने से इनकार करत बा तो बुढ़ा बाप कहा कर सकेला। आज दया शंकर का हालत एकदम गंभीर बा बाबू। कभी जी विदेशिया के भाव में लिखत हूँ, कैसे तने और बढ़ जा। कि आइल नहीं दया दया अरे शंकर के परा बेटावा बनला नीरा दई जाके घर पड़ा कर बिटिया करावे ले दवाई ए बाबू। आज दया शंकर घरे गईलन और बहुत बेजोड़ चोट लगला के चलते उनकर तबीयत एकदम सीरियस हो गई, बीमार पड़ गईलन। बिटिया दवाई करावत बिया, लेकिन जब बाबू होटल पे कामे ना करत हुवन तो पैसा का स्रोत खत्म हो गई। पैसा बिना दवा आओ कहाँ से? मन में चिंता बनल, सोचत बिया कि हम अबला जात बानी, आखिर के करा से सहारा मांगी। लाचार है, लाचार होकर के करती क्या है? अरे रोई रोई भिखिया मांगन लागे रोडवा पर बिगड़ल ऐसन समय असलील बात
कोई करे दई कलैया देत दास पाचा रुपैया हे बाबू दया शंकर का दवाई का इलाज खातिर रुपया नहीं खे। आज रिंकी उस कलकत्ता शहर में भीख मांगना शुरू करती है। सबसे सहारा मांगत बा वो अबला के बाबू है। भैया हमारे पिताजी का तबीयत खराब बा बाबू, एक रुपया दो रुपया पाँच रुपया दस रुपया दे के लोग मदद करदा, हमारे बाबूजी ठीक हो जाइन, आप लोग अगर मदद दे देता। लेकिन ए बाबू कोई भीख देत बा दस पाँच रुपया तो जवन कुल जवान हुअन मजाक उड़ावत हुअन कि अह लड़की तुझे पैसा चाहिए तो एक रात हमारे साथ बिता लो, माला माल कर देंगे, रुपयों से भर देंगे। बाहर जमाना एक अबला अपने पिता के इलाज के लिए भिक्षा मांग रही है, भीख मांग रही है, एक दो रुपये पाँच रुपये दस रुपये का सहारा मांग रही है। लेकिन लोग कैसे बेरहमी से पेश आ रहे हैं उस अबला के साथ। आज भीख मांग के और रिंकी अपने क्वार्टर पे लौटा थी, धौले देखा थी वहाँ भइल का बा। आज भीख मांगल रुपया से जवन कुल दवा लिखल बा दवा लेके पहुँचली तो देखत काही बाबूजी का भैले मारा नावा सुगनावा पराई गई ले हो बाबू। रिंकी जब दवा लेके घरे पहुँचली अपने बाबू के बोलावत है, बाबू दया शंकर इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। आज रिंकी रोने लगी, उसके पास अपने पिता का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए भी कोई जोगार नहीं था। करत का है भिखिया मांगेली बाजार भैली राधा से दीदार, राधा पूछे लगली हाल रिंकी कहे सुधार। माई बाबू भाई ले सपनावा बिरनावा
आज अपने पिता दया शंकर का अंतिम दाह संस्कार करने के लिए लोगों से सहारा मांग रही है कि बाबू मेरे पिता इस दुनिया में नहीं है, मेरे पिताजी का अंतिम दाह संस्कार करना है, मेरे पास कोई पूंजी नहीं है, मेरी मदद कीजिए बाबूजी, मेरे भैया, लोगों से सहारा मांग रही है। लेकिन कोई 10-5 दे रहा है तो कोई ठोकर मार रहा है। आज रिंकी बीच सड़क पे बैठ के रोवत है कि लागता हमार बाबूजी का अंतिम क्रिया बिना हो पाई। लेकिन संजोग बस वहीं गोपाल की दुल्हन राधा आती है, देखती है, नज़र पड़ी, दिल में दया आ गई, कहती है बहन क्यों रो रही हो, क्या दुख है। सारी बात अपन बतौली कि माई मर गईली, हमार भैया कलकत्ता शहर में अलन, डॉक्टर हुवन गोपाल नाम्बा, हमनी के भुला गईलन, हमरे ब्याहे का चिंता बाबूजी लेके और ए शहर में आके काम करत रहलन, और उनकर तबीयत खराब हो गई, आज बाबूजी हमार मर गईल हुवन, उनकर अंतिम क्रिया करे खातिर कौनो पैसा रुपया नहीं के हमरे पास। दिल में दया आ गई राधा के, कहती है कि चल बहन चिंता मत कर, लोगों का मदद ले करके और राधा रिंकी के पिता का अंतिम दाह संस्कार करवाती है। लेकिन जो रिंकी सारी बात बताई समझ गई कि जो मेरा पति गोपाल है ये उसी की बहन है, समझ गई, दिल में दया आ गई, पहपड़ के बहन बताओल गई। अरे नारी बूझे नारी कभी पतिया छतिया फाटले, अकेली राधा रिंकी को इज्जतिया छतिया फाटले, अपने क्वार्टर पर ले गईली राधा रानी हो, अब कहे लगली गोपाल से ले गईली नौकरानी हो। बड़े आदर और सम्मान के साथ उस बेसहारा रिंकी को लेकर के अपने क्वार्टर पे गई कि चल आज से तू मेरे साथ रहेगी, कौन कहता है कि तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, चिंता मत कर। ले जा करके क्वार्टर पे बैठा करके पानी दाना दे करके भोजन करा करके और जाती है जहाँ गोपाल डॉक्टर है, मरीजों की जहाँ भीड़ लगी हुई है, गोपाल को बुला करके और कहती है कि एक ठे नौकरानी ले आई बानी, अगर रुआ कहती तो ओके रख लेती, कुछ काम में हाथ बटाई, अकेले जीव थक जाला। गोपाल कहा ठीक है रख लो, मैं शाम को आऊँगा। जब अपन डॉक्टरी बंद करके जब शाम के घरे गोपाल आइल बा, जब नजर पड़ल ओ रिंकी के ऊपर, तब अरे देखले गोपाल रिंकी को सूरतिया छतिया फाटले, आहाए बहिन का भैली का हलतिया छतिया फाटले। जब घर आया गोपाल, कहाँ कहाँ है, कौन लड़की है, बुलाओ जरा देखते हैं उसे। जब राधा और रिंकी के गोपाल के सामने पेश कैली, देखा गोपाल, पहचान गया, रिंकी भी पहचान गई कि तो हमार भैया हुवन, देख करके भाई बहन दोनों एक दूसरा के पहचान गईलन। लेकिन गोपाल सोचत बा कि अगर हमार पत्नी राधा जान जाई कि ई हमार बहिन बा तो बड़ा बोर बेइज्जती हुई। रिंकी भी मन में सोच गई कि शायद भैया हमके अपन बहिन स्वीकार यहाँ ना कर चाहत हो, कौनो मन में उनका गलत भावना चलत बा। रिंकी भी वो बात के छुपवले रह गई मन में, तो यहाँ आला के भाव में कवि जी बतावत हूँ कैसे। अरे जान के भी अनजान
पहले गोपाल बाबू गोपाल कहता है कि रख लो तुम्हारे काम में भी हाथ बटाती रहेगी। आज रिंकी अपने गोपाल और राधा भाभी के साथे रहे लगली, लेकिन बात भाई भी अपने दिल में छुपौले है कि रिंकी हमार बहिन बा, और रिंकी भी अपने दिल में बात छुपौले बा कि गोपाल हमार भैया हुन। लेकिन एक दिन राधा तो सब कुछ जानत बा, लेकिन वो रिंकी को मुख से उगलवावल चाहत बा, कहवावल चाहत बा कि कहो कि गोपाल हमार भैया हुआ। कलस एक दिन सवाल करत बिया कि रिंकी इतना दिन से तू कलकत्ता शहर में रहत हो, खा जौन तोहर भैया डॉक्टर गोपाल हुअन, खा उनसे अब तक कबो मुलाकात ना भई। रिंकी भटियावत बा कि छोड़ न बाभी, इकुल बीतल बात पूछले से का फायदा बा। लेकिन राधा जीत कर देहली कि ना तोहके बतावे के परी। तब रिंकी लाचार होकर के बताती है क्या, रोई रोई बतिया तब कहे रगल रिंकी बाबू, खारत है कि बतावा इतना दिन से कलकत्ता शहर में रहत हो, का तोहरे भैया से कबो मुलाकात ना भई। ज्यादा प्रेस देहला के चलते राधा प्रेस देते कि बतावा आखिर तोहर भैया से कबो मुलाकात ना भई। तब रिंकी रो रो के कहली कि भाभी
का पूछत हूँ भाभी जवानी तुहार सैया हुआ ना ये हमार भैया हुआ और हमने कई दिन दशा देख के और हमके अपन बहिन कहे से इनकार करत हुआ कहे कि हमार भैया डॉक्टर हो गेलन और एक ठे डॉक्टर के बहिन ने उन्हीं हालत में शायद उनके अपन बहिन कहे में शर्मिंदगी होकत होके जब इतनी बात सुन ली ये बाबू राधा क्रोध में लाल हो गई तब मनावा में क्रोध आवाजा गल राधा के भैया मन में क्रोध बा बाकी गईली जब गोपाल शाम का जब घरे अलन तो जब सूते का टाइम भइल रात तो गोपाल से कहली कि काजी रुआ कले रहली हमार सास जब रही तो मर गईली बाकी हमार अबे ससुर हुअन और एक थे हमार ननद है माई मर गईली तो हमनी का अभी शादी ना भई रहा बाकी आज तक ना हम अपने ससुर के देख पौली आ न ही अपने इकलौती ननद के तनी हमके भेंट करा देती जब इतनी बात सुनलन गोपाल तो मन में शंका होत बा कि ये भाई अगर हम बता दे कि जवन लड़की नौकरानी बा ये तोहार ननद बा तो हमार बहुत बोर बेइज्जती हुई बहकावत बा कैसे लगल बहकावे तब को पालते ही घरिया बाबू कहना कि समय आई गोपाल कहत बा कि का घबरात बारु समय आई तो सबसे मुलाकात हो जाई जब इतनी बात सुनला से बापू राधा क्रोध में लाल हो गई डांट करके कहती है अरे पापी नीच कमीना तेरे जैसा पापी और दुष्कर्मी इस संसार में किसी के जिंदगी में ना आए तो अच्छा है कहता अरे इतना खिसियात कहे बारू राधा होश में आओ का हो गई होश में आजे तम होश में आई बनी सैया आज तक हमके ना बतौला कि जवन होटल का मालिक जवन आदमी के मारत रहल खा वो तुहर बाप ना रहल और ये जवन लड़की के तू नौकरानी बना के घरे रखले हुआ का तुहर बहिन ना जब इतनी बात सुनला से बाबू गोपाल ओकर शर्म से गर्दन झुक गई कुछ नहीं के बोलत आखिरी भाव में राधा ताना मारत बा ओ गोपाल के कैसे अरे दुनिया में तू काम घिनौना कहिले पपिया अमाई बाबू और बहिनिया के ना भइले पपिया
बनौले नौकरानी आ तोरे साथे बीती नहीं मोर जिंदगानी। माई बाबू और बहिनिया के ना भइले पपिया। जिस बहन को तू अपने घर में अपनी ही बहन को नौकरानी बना करके रखा, तेरी माँ मर गई, तेरा वो बुढ़ा बाप भी मर गया, खैर कोई बात नहीं, लेकिन तेरी बहन अभी जिंदा है। तेरी बहन चाहे जिस अवस्था में हो, अपनी बहन को तू नौकरानी बना के रखा है और उसे बहन कहने में भी तुझे शर्म आ रही है। जब तू अपने माई बाबू अपने परिवार का ना भइले तो तू हमार का होइबे? आज से हमार तोर कोनो संबंध नहीं के। जब इतनी बात सुन ली रिंकी ए बाबू, दिल में दया आ गई कि देखत है तो हमार भैया से हमार भाभी दूर हो जाली। हाथ जोड़ करके और जा करके उस राधा भाभी का चरण पकड़ लेती है और कहती है, क्या धैली हले रिंकी राधा भाभी का चरनिया, अच्छा मदान दे दा भौजी भैली जो नदनिया। अरे कवा के सर्व सही राह पर जाइले पपिया, हमारी बाबू और बहिनिया के ना भैले पपिया। आज के बाद हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते चली। जब बात सुन ली रिंकी, जा के चरण पकड़ ले लियो राधा के कि भाभी ऐसा मत करो भाभी, हमार भैया से जौन गलती भइल बा हमके कौनो ऐतराज नहीं के, हमार सौभाग्य बा भगवान बहुत मेहरबान होन कि आज से फिर बिछुड़ल परिवार हमके मिल गई। तो हमके भैया और भौजी दोनों जना के प्यार चाहिए, दोनों जना के हाथ लिया के एक साथे रिंकी मिलावत है और कहली कि बस असही खुश रह लोग और साथे साथे हमरो जिंदगी कट जाई, तू लोग का खुशी देखत देखत प्यार देखत देखत अंतिम कड़ी में कहल गई, गुरु गणेश गुलाम लाल गए स्वर्ग में बच्चन पावन, राम देव चंद का कवि पुजारी राम खेलावन। नजरिया पर चढ़ल बाचरबी देवा कभी मुसाफिर से चला फुलवरिया, नजरिया पर